लॉरेंस बिश्नोई हो जाएंगे, इतने लॉरेंस बिश्नोई हो जाएंगे, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे लॉरेंस बिश्नोई मिलेंगे आपको। चल तू माफी नहीं मांगता भाई, लॉरेंस बिश्नोई का कहना उस मंदिर पे जाकर के जाके घुटना टेक करके भाई सर झुका करके माफी तो मांग ले एक बार। अगर मेरे देश में सलमान खान नहीं रहा तो इस देश का क्या नुकसान हो जाएगा? ये कोई बात नहीं, ये हिंदू चुप है, हिंदू सोया है। उनकी तस्करी और बूचड़ खानों में जाने से रोकना अगर अपराध है तो गर्व से कहते हैं हम अपराधी हैं। एक व्यक्ति अंदर बैठे बैठे काले हिरण की लड़ाई लड़ रहा है ना, तो सरकार इस चीज को सोच ले कि हर स्टेट के अंदर गौ माता की लड़ाई इसी तरीके से छिड़ जाएगी, अंदर से भी छिड़ेगी और बाहर से भी छिड़ेगी। और मैं महाराष्ट्र सरकार का और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने राजमाता घोषित करके हमारी गौ माता को दर्जा दिया। और हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, योगी जी इस चीज का संज्ञान तुरंत ने, इसके लिए हफ्ता 15 दिन नहीं 24 घंटे में ना मैं गौ माता को राष्ट्र माता, मैं अपनी माँ को पूछता हूँ और मेरी माँ पे कोई अगर ब्लेड रखेगा, मेरी माँ पे कोई हथियार रखेगा तो भाई मेरे लिए कानून बाद में, मेरे लिए संविधान बाद में, मेरे लिए बीएमएस बाद में, मेरे लिए पुलिस बाद में, मेरे लिए कोर्ट बाद में, मेरे लिए मेरी माँ है जो जिसने मेरी माँ ने पैदा किया है, समझ के मेरी माँ है। और मैं खुल करके बोलता हूँ जो डर के नहीं, मेरे लिए मेरी माँ है, उसने मेरे को संविधान ने आकर के दूध पिलाया था, संविधान ने मेरे को नहलाया था, संविधान ने मुझे कपड़े पहनाए थे, संविधान ने मुझे लोरियां सुनाई है, मेरी माँ ने, मेरी माँ पे जितनी आस्था है, धरती माता पे जितनी, उससे ज्यादा आस्था मैं अपनी गौ माता पे रखता हूँ। तो लॉरेंस बिश्नोई जो समाज है ना, सबसे ज्यादा आस्था अपनी काले हिरण में रखता है, जो उसे पूछते हैं तो वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, सही लड़ रहा है। अगर भारत के अंदर, अगर भारत के अंदर अगर सरकार ने जल्दी से जल्द गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं कराना तो इतने लॉरेंस बिश्नोई हो जाएंगे, इतने लॉरेंस बिश्नोई हो जाएंगे, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे लॉरेंस बिश्नोई मिलेंगे आपको। करते रहना कार्रवाई। और कहना चाहता हूं, अगर गौ माता की सेवा करना और रक्षा करना, उनकी तस्करी और बूचड़ खानों में जाने से रोकना अगर अपराध है तो गर्व से कहते हैं हम अपराधी हैं और कंटिन्यू अपराध करते रहेंगे। हिरण नहीं देखा जाए, हिरण भी हमें, हम सनातनी लोग हैं, हम जो कीड़ी मकोड़े से लेकर आती तक उनको पूछते हैं। हमारे एक सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपको सवाल समझ रहा हूँ, आप सुनिए कि हिंदू इसलिए एकजुट है, आपको धर्म से विहीन रखा गया, धर्म शिक्षा से विहीन रखा गया, इस वजह से ये हिंदू चुप है, हिंदू सोया है, गाय कट रही है, होने के बाद भी सब कुछ जानते हुए भी अगर वो सोया है ना, यहाँ धर्म की शिक्षा का अभाव है। हमारे विकास की जिसको बोलते हैं नींव, वो गाय माता थी। जैसे जैसे जिस काल में आप चाहे मुगल काल देखो, अंग्रेजों का काल देखो, हमारी इकोनॉमी लुढ़की है और जैसे जैसे ये बढ़ रही है ना तो विकास भी बढ़ रहा है। और मैं ये वैज्ञानिक तौर पर बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ अगर गौ माता की संख्या बढ़ेगी तो विकास जरूर होगा इसमें। हाँ जी, ये बताओ जो ये बूचड़ खाने, इसके खिलाफ नहीं आवाज सनातनियों को उठानी? बिल्कुल बिल्कुल, और आवाज ही नहीं, टोटली ये बूचड़ खाने, ये सिर्फ एक समाज एक फलाना, ये मैं कह रहा हूँ ये भारत की भूमि है, यहाँ जो जीवों की हत्या जो है ना उस पर हमारे ग्रंथों में भी उसका मतलब उसको मारना निषेध बताया गया है। आज हम पहले शुरुआत जो है ना गौ माता से हम उनसे कर रहे हैं, उसके बाद ये बूचड़ खाने टोटली खत्म कर रहे हैं यहाँ से। एक सवाल और है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समय में गौरक्षकों को गुंडा कहा था और ये वही गौरक्षा दल के द्वारा आज रैली निकाली जा रही है, क्या कहे भाई? वो मिसगाइडेड करने वाली बात है, मिसगाइडेड करने वाली बात है, प्रॉपर वीडियो में बोला भाई। भाई साहब एक मिनट शांत, ये कोई मजाक नहीं हो रहा यहाँ पर, नरेंद्र मोदी से सीधी बात है, मजाक नहीं हो रहा, शांत रहना, अपना मुंह बंद करके रखना। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, आपने रात को कभी खड़े होकर के रोड पे कभी नाका लगा कर गौ माता की रक्षा करी है? कभी किसी तस्कर को पकड़ा है आपने? कभी पकड़ा है? हमने पकड़ा है। पता कैसे पत्थर आते हैं, कैसे गोलियां चलती हैं, पता है आपको? कभी आपको इस चीज का फील हुआ है कभी, कैसे चल रही है गोली? हमने देखी है, बगल में से गोली निकलती है, मोनू माने सर के छाती पे गोली खा रखी है, छाती पे गोली। और जब जो जीभ का इस्तेमाल करते हैं, जिगर का नहीं, दिल का नहीं, दिमाग का नहीं, देश के लिए नहीं, केवल जीभ का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमारे नरेंद्र मोदी जी को उन लोगों ने गलत रिपोर्ट दी तो नरेंद्र मोदी जी को ये बात बोलनी पड़ी, और बाद में इसी बात की बड़े लेवल पर चर्चा हुई कि मोदी जी ने बोला था इस बात को, अंदर खाते बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उसी को भ्रमित, उसी मोदी जी ने पता क्या बोला खड़े होकर बैठ करके बैठक में, कह रहा भाई मेरे को तो ऐसी रिपोर्ट आई थी तो मैंने बोल दिया। अब तुम अपने प्रधान को, मैं अपने कॉलोनी के सरपंच, विधायक, एमएलए, एमपी को गलत रिपोर्ट दूंगा तो भैया वो तो आगे जाकर के इसी बात की रिपोर्ट देगा ना, क्योंकि जो गलत रिपोर्ट दे रहा है ना हमारी सरकार को ऊपर मोदी जी को, भाई बॉस ने अपने देख ले कि तेरा बाप कहीं यहीं का था क्या, इटली का था क्या, यूरोप का था, जापान का है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश का, पहले देख ले। गौ माता राष्ट्र माता भाई, घोषित करने की लड़ाई चालू। हाँ बिल्कुल, आप लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से हमें जोड़ करके आप एक चीज पूछना चाह रहे हो, अगर मेरे देश में सलमान खान नहीं रहा
तो इस देश का क्या नुकसान हो जाएगा? जिस सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान ने हमारी बहन बेटियों को नंगपन दिखाया, नंगपन परोसा बड़े बड़े पर्दों पे, भाई साहब अगर वो धरती पे नहीं रहेगा तो क्या होगा? और सलमान खान इस बात को बोलता कि भाई मैं तो सब समाज की इज्जत करता हूँ, और वो करता भी है, ऐसी बात नहीं करता, अपने घर में गणपति भी रखता है, विसर्जन भी करता है। तो उसे माफी मांगने में दिक्कत क्या हो रही है? चल तू माफी नहीं मांगता भाई, लॉरेंस बिश्नोई का कहना उस मंदिर पे जाके घुटना टेक करके भाई सर झुका करके माफी तो मांग ले, एक बार सर तो झुका लो उस मंदिर में। भाई साहब सुनो, हमसे माफी मांगने घर का बच्चा बच्चा लॉरेंस बिश्नोई बनेगा, बिल्कुल भैया। और लॉरेंस बिश्नोई पता भारत में कितने, भाई साहब लॉरेंस बिश्नोई भारत में कितने बनेगा? जितने भी राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को मानते हैं ना, वो सारे के सारे लॉरेंस बिश्नोई के व्यक्ति हैं। बताओ कर लो जो करना।